गुड मॉर्निंग भाई लोग, आपका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। अभी बज चुके हैं लगभग 8:30 के करीब, तो मैंने एकदम नहाया धोया, उसके बाद मैंने सोचा कुछ ना कुछ ब्लॉग तो डालनी है डेली, तो एक ब्लॉग बनाता हूँ। तो मैं आज आपको ले चलूँगा जो कि पहाड़ों पे जो नौलिया धारे होते हैं, मैं आपको ले चलूँगा नौलिया धारे पे, जो कि हमारे यहाँ गाँव पे है, पास पे है। तो सबसे पहले रेडी होते हैं नौले के लिए, पकड़ते हैं एक टावल जिससे कि पानी ना गिरे, और घाघरी हाघरी पकड़ते हैं, चलते हैं नौले की ओर। तो ब्यूटी भी बने रहें तो आपको दिखाता हूँ मैं अपने यहाँ का नौला। जैसा कि आप लोगों को पता है ये है घाघरी, तो घाघरी पकड़ते हैं, चलते हैं नौले की ओर। और आज धूप है, कल बारिश नहीं थी तो धूप बनी हुई है। ये है बकरी का बच्चा, इसे चाहिए घास, उसे दे देते हैं घास, ये ले पूरी धूप ली हुई है। और यहाँ पे धूप भी डाल रखा है लहसुन, कुछ इस तरह से याद नहीं। तो दिखाता हूँ आपको रास्ता किस रास्ते जाते हैं। तो ये रहा रास्ता, ये वहाँ जाके कर तो एक अगली वीडियो आएगी पूरे घर पे, देख सकते हैं डिजाइन, घर की डिजाइन किस तरह से है। और ये बनाया 1954 पे, आपको बारीकी से दिखाया जाएगा अगली वीडियो की पूरी डिजाइन। तो अगली ब्लॉग जो आएगी इस पर आएगी, घरों पे आएगी, और एक घर पे जो डिजाइन बनी हुई है इस पर आएगी। चलते हैं, आप देखते रहिए, काफ़ी सुंदर गांव है और रास्ते भी एक नंबर हैं। तो रास्तों का बता लीजिए और हरियाली का बता लीजिए आप, जब तक कि हम पहुंचते नहीं। और ये साइड पे है नीचे का गांव, ये भी सेम हमारी तरह ही है, पूरे स्लेट वाले घर बने हुए। ये गांव ऊपर है, छोटा छोटा छोटे छोटे गांव हैं पहाड़ों के बीच में। ये रोड जो सामने दिख रही है, इस रास्ते जाना है, सीसी मार्ग वाला रास्ता। और ये पेड़ के पीछे छिपी है एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है तनुजा, देखिए हाथ लारी, और इसका चेहरा दिखाया जाएगा आपको अगली वीडियो पे। क्वाल ब्लॉग है, चल बाद में ताली ठीक से। तो ये बोल दिए कुछ एक किस टाइप की ब्लॉग बनानी है, मैं बताऊंगी मुझे बाद में, तो इसका भी कहना मान लेते हैं। आजा 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 आजा, चल चल आगे, चल आजा, नहीं आ रहा, आजा 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 आजा, जल्दी जल्दी जल्दी, खाली पूंछ मत हिला, आजा आजा जो जो, आजा 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 आजा, की कहा हा मां, की कहा हा, क्या न खाने का मां, इसका का हूं, तो ये रहा नौले जाने का रास्ता, थोड़ा आगे पे नौला, आला आगे। तो पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं, कुछ काम है शायद, तो वहाँ भी जाना है अभी। तो ये घास स्टोर की है ठंड के लिए, ये रास्ता काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, देखिए खेत एकदम सीढ़ीदार खेत है इधर भी। तो पहुँच चुके हैं नौले पे, तो हम पहुँच चुके हैं नौले पे, थोड़ा घास पास हो रखी है साइड पे, तो इसकी सफाई करनी है एक दिन। और यहाँ हमसे पहले पहुँच चुके हैं मनीष भाई, जो कि खेत से आ रहे हैं, शायद खेत से आ रहे हैं। ये बैल आ चुके हैं हल जोत के, तो अब ये जाएंगे घर को, देख सकते हैं इनके मुँह पे लगाए मार्क्स से, ये भी एक प्रकार के मार्क्स हैं जिनको बोलते हैं मॉल। और बक्का पीछे एकदम रेडी, पक्का आज दराहा पारा गढ़ाई। चलो ये है कुछ इस तरह से हमारे यहाँ का
नौला। तो टैंकी बनाई गई है, पहले अलग टाइप का था। और यह है सार्वजनिक लैट्रिन बाथरूम, जिनकी हालत अब एकदम ख़राब हो चुकी है क्योंकि आप सबके घर में हैं तो इनको कोई यूज़ नहीं करता, तो इस टाइप के बंजर पड़ चुके हैं। कभी कभी हम सफाई कर लेते हैं तो अब वो टाइम आ चुका है सफाई करने का, क्योंकि बरसात के दिनों घास उग जाती है साइडों पे, तो सफाई करनी एक दो दिन में। और मनीष भाई भागते हुए शर्माते हुए कैमरे से, तो ये कुछ इस तरह इसे खोलो, थोड़ा बाहर का साफ करो, घर से दो किलाए हैं इसे लगा दो, तो वेट करो पानी भरने का, जब तक पानी भरता नहीं। कुछ इसी तरह से देख सकते हैं आप पीछे, ये है आप पीछे काफ़ी घास उगी है, तो उसकी सफाई करते हैं एक आधे में, तो एक वीडियो आएगी इसमें भी जिसमें हम सारे लड़के उसकी सफाई साफ करेंगे पूरा, तो सफाई होगी इसकी। तो अगर भाई लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पानी आने पड़ जाएगा, पानी आने पड़ते हैं और निकलते हैं जब बाय। तो पानी आने पड़ते एकदम रेडी, तो ये है कंधे पे, तभी टावल लाया था जो कि पानी में गिरे, तो चलते हैं घर को, देख सकते हैं इस प्रकार से पानी भर के घर को ले जाना पड़ता है। तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।